खलारी पिपरवार कोयलांचल क्षेत्र में पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश के कारण क्षेत्र में कई कच्चे मकान गिरने की घटना सामने आई है। हम बात करेंगे पिपरवार क्षेत्र के बहेरा पंचायत के सीतालू गांव निवासी रामचंद्र गंजू का घर लगातार हो रही बारिश में गिर गया। वहीं खलारी के चानक धौड़ा के लक्ष्मण सिंह का कच्चा मकान भी इस पानी में गिर गया। टीके तरी में मंगनी देवी बालदेव मुंडा समेत कई लोगों का मकान क्षतिग्रस्त हो गया है, जबकि खलारी जी टाइप निवासी सलमा परवीन और खलारी बाजार टाण निवासी कैलाश सिंह का भी कच्चा मकान गिरने का घटना सामने आया है। सभी पीड़ित परिवारों ने प्रशासनिक अधिकारियों और अंचल से मदद की गुहार लगाई है। मैं आपको बता दूं कि कोयलांचल क्षेत्र में लगातार 24 घंटे से कुदरत का सितम बरप रहा है, बारिश लगातार हो रही है। ऐसे में वैसे लोग जिनका कच्चा मकान है वे लोग काफी डरे और सहमे हैं। इस दौरान खलारी पिपरवार कोयलांचल क्षेत्र के दर्जनों जगह से ऐसी घटना सामने आई है जिनका कच्चा मकान गिरा है। जिस समय कच्चा मकान गिरा, कई दंपति तो घर में सो ही रहे थे, इस दौरान उन्हें चोटें भी आई हैं। कहा जाए कि कच्चा मकान गिराने से उन्हें काफी आर्थिक नुकसान भी हुआ है। अब ये सभी पीड़ित परिवार प्रशासनिक अधिकारी और अंचल अधिकारी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। कुछ तस्वीरें हमारे पास हैं जिसमें आप साफ तौर से देख रहे हैं कि किस तरह से कच्चे मकान गिरे हैं, कितना आर्थिक नुकसान लोगों को उठाना पड़ रहा है। कैसे, कब गिरा ये घर आपका? सुबह गिरा। सुबह कितने बजे तक? 8 बजे तक गिरा। आप करते क्या हैं? हाजरे कुली का काम करते हैं। और घर में कोई कोई था आपके अलावा? और कोई था क्या? परिवार था। किसी को चोट आया है? केवल हमको चोट आया। हाँ, सर में? सर में चोट आया। बारिश की वजह से? किस वजह से गिरा ये? बारिश की वजह से गिरा भैया। बारिश की वजह से? और बच्चा लोग को किसी को चोट तो नहीं ना आया? किसी को चोट तो नहीं आया। हाजिरी का काम करते हैं। हाजिरी काम करते हैं।